कहते हैं एक बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है कुछ इसी विजन के साथ छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में लीडर बन गए रजत बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड सो ऑन दिस एपिसोड ऑफ द सेलेब्रिटी टॉक शो लेट्स मीट द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मृणाल गोलछा हेलो मृणाल वेलकम टू द सेलिब्रिटी टॉक शो

चेन्नई तो वहाँ पढ़ रहा था और फिर पढ़ते पढ़ते वहाँ पे फाइनल जब कंप्लीट हुआ तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ग्लोबल्टिंग वहाँ पे दो साल तक काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किया अलग अलग सिटीज में अलग अलग लोगों से मिला अलग अलग टाइप की चीजें एक्सपीरियंस की लास्ट लेग में फाइव मंथ एन अपॉर्चुनिटी एक पुणे में डेवलपर है

कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो यू विल कंज्यूम इट फॉर मैक्सिमम लेट से टेन इन बट अ होम यू माइट लिव फॉर देस है ना तो आप इतना इम्पैक्ट और कोई क्रिएट नहीं कर सकता तो दैट वॉज इंडस्ट्री पे तो काम करना है उसके बाद में मास्टर्स करने के लिए आई गॉट आई वेंट टू पैरिस एंड इट वॉज टू थाउजेंड एट फाइनेंशियल डिबैकल तो एक रियल इस्टेट कंपनी में जॉब भी लग गई थी बट वो जॉब लगी और मज़ा नहीं आ रहा था रेल वाज़ नॉट इन्जॉइंग इट बिकॉज आई न्यू माई माइंड इज समेर एल्स आई वॉन्ट डू समथिंग थाउजेंड इलेवन में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फैमिली हैड सम लैंड बैंक एंड दी डिसाइडेड वी विल स्टार्ट न्यू बिजनेस एंड आई कुड नॉट स्टॉप माई बोला नहीं यार मैं तो यही करूँगा mm -hmm. ये यह मैं चाह रहा था दो हज़ार पाँच से

नहीं करना चाहिए मेरा प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट ही अपार्टमेंट का था right. शुरू में दिक्कतें आई hmm. लोगों को कन्विंस करने में लोगों के बिलीफ को चेंज करने yeah. में कि अपार्टमेंट में भी आप अपार्टमेंट के जो बेनिफिट्स है वो आपको एक इंडिविजुअल हाउस या बंगलो के में नहीं मिल पाएंगे ओवर वो वो hmm. वो पावर करता था hmm. आज अगर किसी मिडिल uh, इनकम या किसी फर्स्ट टाइम होम बायर को रायपुर में घर ढूंढना है तो वी आर यू नो एट पार और प्रोबली एट द टॉप इट कम्स टू देयर चॉइसिस Wow, that's and I'm sure आपने काफी वक्त गुजारा है ये समझने में कि लोग जब घर खरीदते हैं तो क्या सोचते हैं या क्या सोचना चाहिए एक छब्बीस साल का बंदा हमारे प्रोजेक्ट पे आया घर खरीदने के लिए एंड hmm. उसने घर खरीद लिया का छब्बीस साल का है ना ही अब इंटरेस्टेड तो मैंने ना उसको दो दिन बाद फोन किया आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग दर्स्ट थिंगीडबैक आई नॉट गिव यूडैक क्यों <laughs> तो uh, बोलता है मैं तो अभी आपके यहाँ घर खरीदा हूं? मुझे क्या मालूम है आप मुझे धोखा दोगे कि नहीं दोगे अच्छा hmm. तीन साल बाद जब आप मेरे को घर दे दोगे hmm. मैं शॉकड रह गया मैं बोला यार तूने घर खरीद लिया और उसके बाद भी तेरे को लगता है मैं तेरे को धोखा दूंगा देन ही लाइक कि नहीं आई सीन ऑल योर दे लुक वेरी गुड फ्रॉम आउटसाइड है ना बट आई आई डेंट गो एंड मीट योर कस्टमर्स एंड आई डेंट स्पीक टू देम आपने उनको ट्रीट किया कि नहीं किया अच्छे से

दे हैव टू मच इन्फॉर्मेशन इन हैंड सब लोग अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं पापा कुछ बोलते हैं मम्मी कुछ बोलती है भुआ कुछ बोलती है मामा कुछ बोलते हैं दोस्त यार कुछ और बोलते हैं ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए और वो ना जब आते हैं ना प्रोजेक्ट पे कभी घर लेने yeah. तो बड़े परेशान रहते हैं इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए लाइफ में यू आर मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट एंड रियल स्टेट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट यू शुड डू इट दैट इज वेयर यू नो वी केम साइंस ऑफ होम भाई एंड एजेंडा क्लियर कट है आप मेरे से घर खरीदो या नहीं खरीदो इट इज इन मटीरियल दैट इज नॉट द गोल एट द डे वो जिसको आपको सही लगेगा वहीं खरीदना hmm. लेकिन आप जब घर खरीदो तो आपको कुछ चीजें हैं जो स्टेप्स हैं hmm. उसको फॉलो कर लोगे अगर hmm. तो यू विल एट द एंड नॉट रिग्रेट वॉट यू बॉट Right. So there are steps. There are steps to buying a home. I Would love to know. Please bataye ye kya hai ye. So what we have developed, hmm. the my home matrix. Okay. ठीक है? So it's a tool hmm. which uh, कोई भी home buyer use कर सकता है. और वो tool करता क्या है? वो tool ये करता है कि जो property hmm. आपको highest value दे रही है hmm. life में, hmm. जिसके

right. है ना hmm. तो आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट है आपका एक्चुअल रिजल्ट दैट यू गॉट बट आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो इज बिकॉज वॉट यू बिलीव इन तो अगर आपको आपका रिजल्ट चेंज करना है ना hmm. तो आपको आपका एक्शन चेंज करने से नहीं होगा बिलीव आपको हुँ. आपका बिलीफ चेंज करना है hmm. तो आपका या आपके सामने वाले का Hmm. तो अगर मुझे आपसे यस चाहिए तो hmm. मुझे आपका बिलीव चेंज करना पड़ेगा तब तो मुझे मिलेगा एंड आई मेड दिस फॉर रियल एस्टेट सेल्स मैं uh, जब तक हर स्टेप पे यस hmm. yes नहीं लूंगा मुझे फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हाउ डू आई गेट अ यस एट एवरी स्टेप ऑफ द जर्नी ऑफ अ कस्टमर बाइंग होम राइट ओके राइट

is alive in in the city I, for I sure. I miss that, but yes, country का सबसे ज़्यादा steel Raipur में बनता है. Correct. तो बहुत important है और ये बनाया entrepreneurs नहीं है. बिल्कुल. So hats off to the to the spirit of this city that brings up such good things in the people here. Right, Rinal, it's been lovely talking to you. Thank you so much for being a part of the celebrity talk show. Thank you so much, Kamya. It was great being here. i hope you enjoyed watching the show stay tuned to the celebrity talk show dekhte rahiye news 18 madhya pradesh chhattisgarh